हेलो दोस्तों, एसी इलेक्ट्रॉनिक में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बहुत ही बढ़िया वीडियो है। हमारे कुछ दोस्तों के कमेंट्स हमारे पास लगातार आ रहे थे कि हमें इस तरह की वीडियो बनाइए जिसमें दो स्विच और दो सॉकेट हो। ये दोस्तों बहुत ही पॉपुलर बोर्ड है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला बोर्ड है। तो आज हम इस बोर्ड की वायरिंग करने का आपको एक बिल्कुल नया तरीका बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दो स्विच और दो सॉकेट के बोर्ड हैं। हमें दोस्तों सबसे पहले इसमें करना ये है, हमने सबसे पहले इसमें देंगे लाइन यानी कि फेस। फेस के लिए हमने रेड कलर का वायर ले लिया है और हम जो ये हमारे दो स्विच हैं, स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे, दोस्तों दो स्विच हैं जो हमारे, इनके जो नीचे वाले पॉइंट पे हैं, हम इन पे दे देंगे फेस। देखिए, हमने इस तरह से देखिए वायर पे से पीवीसी हटा ली है और इस तरह से हम दोनों स्विचों के नीचे वाले पॉइंट पर फेस दे देंगे। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं हम इस बोर्ड कनेक्शन का, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। चलिए हम आपको बताते स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए, दोनों स्विचों के नीचे वाले पॉइंट पर हमने फेस दे दिया है। अब दोस्तों हमें करना ये है कि हम स्विच से, अब हम स्विच जो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काट के देंगे सॉकेट को, क्योंकि स्विच से हमें ऑन ऑफ करना है। इस तरह से देखिए हमने फेस दे दिया है। अब हमें ये करना है, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काट कर हम दे देंगे दोस्तों सॉकेट को। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। किसी भी तरह की अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स हमें कर सकते हैं। आप लोग कमेंट्स करते हैं, हम उस तरह की वीडियो ज़रूर ज़रूर बनाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, स्विच से फेस काट कर हमने दे दिया है सॉकेट को। ये देखिए, स्विच से दोस्तों फेस काट कर सॉकेट को दे दिया है। अब दोस्तों हमें करना ये है, हमारा जो दूसरा स्विच है हमें इससे भी सॉकेट को कनेक्शन देना है। तो हम उसके लिए करेंगे ये कि जो हमारा दूसरा वाला स्विच है उसके ऊपर वाले पॉइंट से फेस काटेंगे और हम दोस्तों वो दे देंगे सॉकेट को। दोस्तों इस तरह से देखिए, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काट कर हम दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आपको, जिससे कि आपको वायरिंग करने में, कनेक्शन करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो ना। तो दोस्तों देखिए, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काट कर और हम दे देंगे सॉकेट पे। ये देखिए दोस्तों, इधर ये दे देंगे सॉकेट को। वायर को दोस्तों हम थोड़ा छील लेते हैं, थोड़ा पीवीसी इस पे से सही से हट नहीं पाई थी। दोस्तों एक बात और, जब भी आप बोर्ड कनेक्शन करें 6 एम्पीयर के स्विच सॉकेट में जब कनेक्शन करेंगे आपको, तो आपको 1 से 1.5 mm का वायर लगाना है। इससे अगर हल्का वायर लगाएंगे तो आपके स्विच सॉकेट भी जल सकते हैं और दोस्तों वायर भी आपका जल जाएगा। और 16 एम्पीयर के स्विच सॉकेट में आपको 2.5 mm का वायर इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरह से कनेक्शन हो गए हैं। दोस्तों देख सकते हैं इसमें फेस कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हमें करना ये है, हम बोर्ड में देंगे न्यूट्रल। और न्यूट्रल के लिए हमेशा दोस्तों, जैसे कि हम वायर लेते हैं, हमें ब्लैक कलर का वायर ले लेना है। ये देखिए, न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर का वायर ले लिया है और ये दे देंगे हमारे जो सॉकेट का जो पॉइंट बचा हुआ था उस पॉइंट पे हम दे देंगे न्यूट्रल। ये देखिए इस तरह से, हम हमेशा आपको बताते चले आए दोस्तों, आपको वायरिंग करते समय दो कलर के वायरों का इस्तेमाल करना है, फेस में अलग कलर का और न्यूट्रल में अलग कलर का, जिससे कि आपको कभी भी बोर्ड रिपेयर करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों देखिए, हमने न्यूट्रल दे दिया सॉकेट पर, वहीं से न्यूट्रल उठा के दे दिया हमने दूसरे सॉकेट को। ये दोस्तों देखिए, वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले फेस दिया इस तरह से और हम दे दिया न्यूट्रल। ये वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई है और दो वायर जो बचे हैं ये हमारे हो गए न्यूट्रल और फेस। जो हम कि कभी बोर्ड में कनेक्शन करना हो तो फेस से टेस्टर को चेक कर कनेक्शन कर सकते हैं और न्यूट्रल न्यूट्रल में दे देंगे, चाहे मीटर बोर्ड में हो चाहे सिर्फ बोर्ड में हो, आप इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमने बोर्ड में लाइन दे दी है, अब हम इसे चेक कर बता देते हैं आपको किस तरह से ये बोर्ड काम करेगा। दोस्तों देखिए, हमने इस वाले स्विच से इस सॉकेट का कनेक्शन करा था। ये देखिए, हमारा स्विच से सॉकेट काम कर रहा है, हमारी वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई, हमारा स्विच सॉकेट काम कर रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों हम दूसरा वाला जो स्विच है उस सॉकेट को भी चेक कर लेते हैं।
दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, इसमें थोड़ी वीडियो बड़ी ज़रूर हो जाती है लेकिन इससे आपको सीखने में बहुत आसानी हो जाती है। दोस्तों देखिए ये सॉकेट भी हमारा काम कर रहा है, इस उससे सॉकेट भी काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बराबर जो घंटी का निशान है दोस्तों उसको दबाना न भूलें। उससे दोस्तों हम किसी भी तरह की वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। वीडियो देखने बहुत शुक्रिया।